दोस्तों आज हम बात करेंगे स्विट्ज़रलैंड और इंडिया के कुछ अमेजिंग फैक्ट के बारे में, जिसके बारे में आपको शायद पता हो या ना हो। पहले आता है कि अगर आप स्विट्ज़रलैंड में कभी खाना खाते हैं तो आपको लगेगा कि इंडियन फूड बहुत सस्ता है, वही जबकि आप इंडिया में रहते हो तो अगर आप खाना खाते हो तो आपको स्ट्रीट फूड भी महंगा लगता है। और इसका दूसरे फैक्ट के बारे में बात करें तो स्विट्ज़रलैंड में टॉयलेट्स में ज़्यादातर टॉयलेट पेपर यूज़ किया जाता है, वहाँ पर पानी और वाटर जेट यूज़ नहीं किया जाता, बल्कि इंडिया में ज़्यादातर वाटर जेट और पानी का ही यूज़ किया जाता है। और इसका तीसरा फैक्ट है कि अगर आप स्विट्ज़रलैंड में कभी कहीं भी जाओगे तो आपको बाथरूम क्लीन और गुड कंडीशन में मिलेंगे, जबकि इंडिया में ज़्यादातर बाथरूम गंदे ही रहते हैं। और इसका चौथा फैक्ट यह है कि इंडिया में नॉइस पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ पर लोग बिना वजह हॉर्न बजाते हैं, जिसकी वजह से नॉइस पोल्यूशन क्रिएट होता है। और वही स्विट्ज़रलैंड में कोई भी व्यक्ति बिना किसी कारण के हॉर्न या कोई ऐसी वस्तु का उपयोग नहीं करता जिसे नॉइस पोल्यूशन हो। और इसका पाँचवा फैक्ट यह है कि स्विट्ज़रलैंड में लोग राइट साइड पर ड्राइव करते हैं, जबकि इंडिया में लेफ्ट साइड में ड्राइव करते हैं। और स्विट्ज़रलैंड में दोस्त बनाना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि वहाँ पर लैंग्वेज बैरियर एक बहुत बड़ी मुश्किल होती है, क्योंकि वहाँ पर लोग अलग अलग भाषा का प्रयोग करते हैं। जबकि इंडिया में दोस्त बनाना बहुत ही आसान होता है, क्योंकि इंडिया के लोग ज़्यादा फ्रेंडली होते हैं, इसलिए आपको वहाँ पर दोस्त बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको इस जानकारी के बारे में जानकर कैसा लगा, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।